अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ऐ दिल जमाने के लिए। शायद ये गीत के बोल संपूर्ण भारत यात्रा पर निकले 23 वर्षीय रेडियो जॉकी के लिए सही बैठते हैं। जहां इतनी कम वर्ष की आयु में युवा अपने भविष्य की सोच में डूबा रहता है, वहीं संपूर्ण शुक्ला साइकिल पर 24 राज्यों का सफर तय कर चुका है। ये यात्रा आने वाले कल के लिए जरूरी है, कल जिसके लिए सभी चिंतित है। जल है तो कल है, पर्यावरण है तो जीवन है। इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए संपूर्ण शुक्ला 18,000 किलोमीटर का सफर तय कर शिमला पहुंचे हैं। जेब में केवल 60,000 से शुरू किए इस सफर में लोगों का साथ मिलता रहा और संपूर्ण अपने लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ता रहा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले संपूर्ण ने एक वर्ष पहले यह यात्रा आरम्भ की थी। संपूर्ण शुक्ला का कहना है कि आज के दौर में प्रकृति को बचाना है, प्रकृति है तो जीवन है, इसलिए इस सफर का आगाज किया और अपने जीवन का 1% इस प्रकृति को देने का प्रयास किया है। संपूर्ण शुक्ला ने कहा कि इस सफर के दौरान स्कूल और कॉलेज के बच्चों के साथ साथ लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहा हूं। 60,000 से यह सफर शुरू हुआ, जिसमें से 30,000 साइकिल व अन्य सामान पर खर्च हो गए, बाकी की राशि भी अब खत्म होने वाली है। रातें टेंट में गुजरती है और जनता के सहयोग से सफर आगे बढ़ रहा है। शिमला से हरियाणा, राजस्थान से होते हुए दिल्ली के 6,000 किलोमीटर का सफर अभी तय करना बाकी है। इस सफर के दौरान उनका मुख्य ध्येय पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। सभी को सबसे पहले तो प्यार भरा मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संपूर्ण शुक्ला और मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। बताया कि मैं पूरे भारत की यात्रा कर रहा हूं, 1 साल 1 महीने, आज 14 दिन पूरे हो चुके हैं और इस वक्त मैं 24 राज्यों को पार करके आ चुका हूं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में। और शिमला में आकर के अगर मौसम की बरसात ना देखने को मिले तो ये मौसम अधूरा होता है। और बारिशें देखिए ऊपर है, प्रकृति का अद्भुत नजारा है जो हमें कहीं ना कहीं संदेश दे रहा है कि प्रकृति को हमें बचाना। जी देखिए, सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि प्रकृति के और मानवता के बिना हम सबका जीवन अधूरा है। विदाउट एनवायरनमेंट वी कांट सर्वाइव इवन फॉर ए सेकेंड। सो इसलिए मैं अपनी लाइफ का 1% डेडिकेट कर रहा हूँ प्रकृति के लिए। इसमें मैं स्कूल में जाता हूँ, कॉलेजेस में जाता हूँ और जो पहाड़ हैं, बड़े बड़े टूरिस्ट स्पॉट हैं, वहाँ पे जाके लोगों से अपील करता हूँ, सफाई करने का प्रयास करता हूँ और लोगों को जागरूक कर रहा हूँ और अपने जीवन का 1% समर्पित कर रहा हूँ प्रकृति और मानवता के प्रति। सर, इस खर्चे की बात करूँ तो जब मैं अपने घर से निकला था, मेरे पास 60,000 रुपये थे, 30,000 रुपये में लगभग साइकिल और गैजेट्स वगैरह खरीदे और 6 महीने बाद मेरे पैसे भी खत्म हो गए। फिर मैंने कोई भी सरकारी मदद नहीं ली या किसी वित्तीय तरीके की स्पॉन्सरशिप नहीं ली, बस जो लोकल पीपल्स मुझे सपोर्ट करते हैं, वो आपने भी सुना होगा कि अतिथि देवो भव। मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया घूमने के लिए जेब में पैसा नहीं, दिल में प्यार होना चाहिए। मैं आज भी गांव में जाता हूं, शहरों में जाता हूं, लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे पास स्लीपिंग टेंट बैग वगैरह है, थोड़ी सी जगह मिलेगी, बस मैं रात रुकूंगा। वो लोग मुझे हंसी खुशी मेहमान की तरीके से। सर, अभी तक मैंने 18,000 किलोमीटर का सफर पूरा किया है। फिर मैं जाऊंगा हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली की तरफ, लगभग 5 से 6 हजार किलोमीटर मीटर की यात्रा और होगी। लोगों का सपोर्ट सर कह सकता हूँ मैं कि जो गांव है, आज भी कहते हैं पैसों से जेब हल्की दिल के बड़े होते हैं, गांव के लोग गैरों की मुसीबत में भी अपनों की तरह खड़े होते हैं। सर, मेरी साइकिल चोरी हो चुकी है महाराष्ट्र में एक बार, और जब चोरी हुई साइकिल मैं इतना रो रहा था, लेकिन वो गांव के लोग थे जिन्होंने कहा चिंता मत करो भाऊ, हम यहाँ से आपको निराश होकर नहीं भेजेंगे। 600 लोग ने, 3 गांव ने मिलकर के साइकिल को वापस से ढूंढ निकाला, चोर को पकड़ के लाए। तो इसे कहते हैं सपोर्ट, जो देशवासियों का देश के लिए है। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि जब जागो तभी सवेरा, और जब मुश्किलों से आप लड़ते हैं तो जरूर कोई ना कोई उसका सॉल्यूशन होता है। तो मैं हमेशा मुसीबतों को फेस करने के लिए खुशहाल रहता हूँ और भविष्य भी आप लोग देखते रहेंगे, क्योंकि मेरा एक सोशल मीडिया पे अकाउंट है RJ ऑन रोड, तो आपको उसके बारे में भविष्य के यात्रा का भी पता चलता रहेगा।